हाँ तो गाइस यहाँ से देख सकते हो आप लोग हाजी अली का नज़ारा, काफी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से आप लोग आ जाता है, मुंबई डूब सकती है बट ये मज़ार कभी डूब नहीं सकता। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज तुम्हारा भाई लेके आ चुका है मुंबई की सबसे खूबसूरत जगह हाजी अली। गाइस यहाँ से देख सकते हो हाजी अली का नज़ारा, काफी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। देख सकते हो गाइज आप लोग यहाँ पे लोग चल रहे हैं और अभी काफी दूर है हाजी अली। गाइज यहाँ से आप लोग क्राउड देख सकते हो, यहाँ पे हाजी अली एंटर करने के टाइम है ना इस तरह का भीड़ रहता है यहाँ पे। आप लोग देखो, आप लोग ये देखो भाई भीड़ देखो आप। तो गाइज यहाँ पे आप लोग भीड़ देख सकते हो, अभी हम लोग हाजी अली के इंटर कर चुके हैं गेट के बाहर और यहाँ पे कुछ इस तरह की दुकानें लगी रहेगी, आपको चादर या कुछ खाने पीने के लिए भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे आप लोग भीड़ देखो, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत भीड़ है। और यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट भी लगी हुई है, आप लोग कुछ परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पर। हाजी अली में गरीबों को खाने के लिए भी यहाँ पे है इंतज़ाम, यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे गरीब खाना उना खाने के लिए जो भूखे हैं आ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे चादर की बड़ी बड़ी दुकानें आपको मिल जाएंगे और भी बहुत चीज़ें यहाँ पर आप लोग खरीद सकते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग भी लगी हुई है, मार्केट भी कर सकते हो आप लोग। यहाँ से आप लोग देख सकते हो मार्केट लगी हुई है, आप लोग यहाँ से चादर इधर ले सकते हो यहाँ पर और आगे तक जाना है अपने को। तो गाइज आपको हाजी अली जाने के लिए पहला अंडरग्राउंड मार्केट को आपको पार करके जाना पड़ेगा, देख सकते हो। हाँ तो गाइज आप हाजी अली जाएंगे तो आपको यह अंडरग्राउंड मिलेगा और आपको इसको पार करके जाना पड़ेगा और बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई है, जो भी चाहिए आपको यहाँ से लेना ही पड़ेगा, आपको भाई लेना ही पड़ेगा। देख सकते हो टोपी वगैरह आपको यहाँ पर मिलेगा। अंडरग्राउंड मार्केट से जैसे आप निकलेंगे तो हाजी अली आपको दिखाई देगा यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। तो अभी ये पूरा जब पानी रहता है तो यहाँ पे पूरा पानी रहता है बट अभी तो है नहीं। और यहाँ पे लोगों का क्राउड देख सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड है। और यही अंडरग्राउंड से आपको बाहर निकल के कुछ किस तरह हाजी अली आपको दिखेगा, तो चलते हैं अंदर तक, आपको जाकर वहाँ पूरा बताएंगे। देख सकते हो गाइज आप लोग यहाँ पे लोग चल रहे हैं और अभी काफ़ी दूर है हाजी अली, अभी पास में जाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा यहाँ से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लोग चल रहे हैं। हाँ तो गाइज बारिश के टाइम में हुआ इस जगह पे आपको पानी मिलेगा बट अभी तो है नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं अभी, तो अभी इनके टाइम में अभी नहीं रहता, शाम के टाइम में ज़्यादा पानी इधर पर रहता है। चलिए गाइस अपन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में आ चुके हैं और लोग यहाँ पे जब पानी के टाइम में रहते तो पानी रहता है बट अभी तो है नहीं। इधर पे देख सकते हो पूरा नज़ारा आप लोग, और यहाँ पे लोग चलते हुए बहुत ज़्यादा तादाद में, आपको क्राउड तो बहुत ही है भाई, और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है हाजी अली। यहाँ पे आपको कैमरा वैमरा अलाउ नहीं है बट क्यों नहीं है ये तो अपने को मालूम नहीं है, पाक जगह पर लाना तो चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे डिस्कॉर्ड एंसर में आते हैं लोग लेकर कैमरा, बट यहाँ पे आपको कैमरा अलाउ नहीं है। और जस्ट अपने ही पास में आंखों से देख रहा हूँ, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ से तो देख रहा हूँ हाजी अली, और लोगों का भीड़ देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ। कॉइन वाइन का भी भाई इंतज़ाम है, यहाँ पे कॉइन भी ले सकते हो आप लोग। फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो हाजी अली बहुत ही नज़दीक में आप लोग, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अंदर जाके अपन ज़ियारत भी करेंगे और यहाँ से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा क्राउड है, हर तरफ आपको इंसानी दिखेगा। देख सकते हो यहाँ पे लोग इंजॉय करते हुए और बैठ के ठंडी ठंडी हवाएँ लेते हुए, बस समंदर पास में और ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही। बस जाएंगे अपन और दिखाएंगे हाजी अली का ज़ियारत भी कराएंगे। और यहाँ पे आप लोग सूरज की रोशनी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी लग रही है, तो अंदर जाते हैं आपको बताते हैं ज़ियारत करके। अंदर का
का कुछ इस तरह का नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे झरने हैं लगे हुए, ये लोग फ़ोटो पे ले रहे हैं। यहीं पर आपको ज़्यारत करने का मौका मिलेगा, तो हम भी जाके ज़्यारत करेंगे और आप लोगों को भी ज़्यारत कराएंगे। यहाँ पे लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यारत कर रहे हैं लोग। हाजी अली का बैक साइड का आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, काफ़ी भीड़ है इधर पे। लोगों का मानना है, लोगों का बिलीव है कि अगर यहाँ पे सही शिद्दत से आए तो हर दुआ कबूल होती है। और यहाँ पर आप लोगों को वजू खाना, आप लोग नमाज अदा भी कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे वजू खाना है, लोग वजू कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग क्राउड देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो बहुत क्राउड है और बहुत अच्छा आप लोगों को यहाँ का माहौल मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो हर वक्त आपको ऐलान करके आपको इतला किया जाएगा कि ये देख सकते हो हाजी अली का नज़ारा बैक साइड का। और यहाँ पे लोग इंजॉय करते हुए ठंडी ठंडी हवाएं लेते हुए, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग और यहाँ पे समुंदर, बहुत ही अच्छे माहौल में यहाँ पे लोग। आइए सबसे पहले हम सब निहायती अकीदत और मोहब्बत के साथ हाजी अली का आप लोग नमाज अदा करते हैं। और अभी नमाज ख़त्म हो चुकी है अभी, और यहाँ पर आप लोग बयान चालू है अभी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मस्जिद का गुंबद और यहाँ पे तिरंगा लहरते हुए, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ का माहौल ठंडी ठंडी हवा है और लोग यहाँ पे नमाज अदा करते हुए, और यहाँ पे आप लोग चारों तरफ आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत माहौल है भाई। यहाँ से आप लोग व्यू देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे फ़ोटो भी शूट कर सकते हो, फ़ोटो भी ले सकते हो, सब कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे लोग। अच्छा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे हाजी अली। लोगों का बिलीव है, लोगों का यकीन है कि यहाँ पे सच्चे मन से आएंगे तो दुआ कबूल होती है। और यहाँ पे लोगों का बहुत ही क्राउड है और यहाँ पे खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सूरज की रोशनी, यहाँ पे समुंदर, लोग यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को क्या ही बताऊँ, और ऊपर देख सकते हो काफ़ी अच्छा गुंबद और तिरंगा लहरते हुए और भी खूबसूरत बना देता है। आप लोग ये देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। या हाजी अली में अगर पानी का समुंदर का मज़ा लेना है ना, तो ये फिसलते हुए पत्थरों पे भाई गुजर के चलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे बच बच के चलना पड़ रहा है हम लोगों को। और लोग यहाँ पे काफ़ी आनंद ले रहे हैं और अपन चल रहे हैं संभल संभल के। और हाजी अली का काफ़ी अच्छा नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा हम लोग दिखाते हुए और अपनी आँखों से देखते हुए। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, भीड़ लगी हुई है लोगों, सब यहाँ पर देख सकते हो फ़ोटो ले रहे हैं भाई लोग, है कि नहीं भाई, यहाँ पे फ़ोटो लेते हुए। और यहाँ पे बहुत ही बच के आना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप लोग कभी भी आना तो बहुत ही इत्मीनान से आना, बहुत संभल के आना यहाँ पर। ये देखो हर तरफ आपको भाई, ये पत्थरों में बहुत कीचड़ रहता है क्योंकि पानी में जब रहता तो फिसलते रहता है इधर पे। गाइस जब भी आप आओगे ना तो ये जगह पे ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ से जो नेचर है खूबसूरती आप लोगों को काफ़ी अच्छे से लगेगा, काफ़ी पीसफुल। यहाँ पे बैठ के सनसेट का मज़ा और समुंदर की हवाओं का काफ़ी आपको खूबसूरत माहौल लगेगा। यहाँ पे इत्मीनान से आप पीसफुल आप लोग बैठ के बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो आना तो ज़रूर इस जगह पर आना, काफ़ी खूबसूरत जगह है और लोगों को यहाँ पर सनसेट का मज़ा ले सकते हो आप लोग, देख सकते हो। और ऐलान चालू है भाई इधर पे, आप लोग बैठ के ये सनसेट का नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है भाई नज़ारा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे पीसफुल आप बैठ के आप लोग खूबसूरती का नज़ारा देख सकते हैं। अभी तो पानी है नहीं इधर पे, बट जब शाम के 7 या 8 बजे रहता तो बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये सब में पानी आ जाता है। और यहाँ पर सनसेट का नज़ारा, लोग यहाँ पर
ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हैं, काफी अच्छा माहौल है और काफी अच्छा खूबसूरत यहाँ पे का भाई नेचर दिख रहा है। तो ये देख सकते हो आप लोग हाजी अली का नज़ारा, काफी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, हर तरह आप लोग क्राउड ही क्राउड देख सकते हो। ये पीछे मेरे पीछे आप लोग हाजी अली का काफी पीसफुल जगह है, यहाँ पे आकर आप लोग इंजॉय कर सकते हो। तो आप लोग हाजी अली का नज़ारा काफी खूबसूरत नज़ारा है, लोगों का यकीन है, बिलीव है कि यहाँ सच्चे मन से अगर आप लोग दुआ करेंगे तो यहाँ पे कबूल होती है। सबके आपको बिलीव को रिस्पेक्ट करना है। बाकी आप लोग ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लोग का नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो मिलते हैं आपको बहुत ही अच्छे ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, सब्बा खैर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।